सबसे पहले हम हाइलाइटर से अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे ब्रोबोन एरिए से। यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए यहाँ अप्लाई करके रख लूँगी। देन हम आई शेड को अप्लाई करेंगे। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे ब्रोबोन एरिए पे हाइलाइटर को आज पहले अप्लाई किया है। यूजुअली मैं लास्ट में भी अप्लाई करती हूँ, लेकिन आप पहले भी अप्लाई करके मेकअप को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे टेयर डक एरिया पे भी सेम हाइलाइटर को हम यूज़ करेंगे। जो यहाँ यूज़ करेंगे वही यहाँ यूज़ करेंगे, डिफरेंट को मैं यूज़ नहीं करूँगी वरना अच्छा लुक नहीं देगा। उसके बाद मैं एक एप्लीकेटर की हेल्प से लिड एरिए पे मेटालिक शेड को अप्लाई करूँगी। ग्रीन कलर का मेटालिक शेड है ये, इसको मैंने लिड एरिए पे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने मेटालिक शेड जो है हमारे एप्लीकेटर की हेल्प से बहुत अच्छे तरह से अप्लाई हो जाते हैं। इसको मैंने सिर्फ लिड एरिए पे पूरा फॉलो करते हुए अप्लाई कर लिया है। सेम मैं यही दूसरी आंख पे भी करूँगी। इसको यहाँ पे भी मैंने अप्लाई कर लिया। अब इससे एक टोन डार्कर इसी के ऊपर मैं मिक्स कर दूंगी। इससे डबल शेड से हमारा शेड ज़्यादा अच्छा बन जाता है, अगर आपको मिक्स एंड मैच करना आता है तो। इस तरह से आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं शेड को, अगर आपके पास डिज़ायर्ड लुक का शेड नहीं अवेलेबल पैलेट के अंदर, आपके पास जो पैलेट मौजूद है उसमें नहीं है, तो आप दो शेड्स को मिला के भी या तीन शेड्स को मिला कर भी शेड को बना सकते हैं अगर आपको आता है। इसके बाद मैं इसके क्रीज लाइन एरिया पे अप्लाई करने के लिए शेड को यहाँ पे मैंने ये फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब मैं हुदा ब्यूटी की पैलेट से सबसे लाइटर शेड को पिक करूँगी और इसको इस क्रीज लाइन एरिया पे मैं अप्लाई करूँगी। अप्लाई करना है, देन इसको साथ साथ ही मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ। इसकी ये जो क्रीज लाइन की हार्श लाइन है, ये जो लाइन बनी हुई लग रही है, इसको हमें ख़त्म करना है। यहाँ पे ये मैंने सेकंड पे भी मैं सेम ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह से अप्लाई करके ब्लेंड करना है, हर लाइन को इसकी ख़त्म करना है। जहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया है कोई भी लाइन हमें विजिबल नहीं होना चाहिए, यही हमारे अच्छे मेकअप की पहचान होता है जब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड भी करते हैं साथ में। यहाँ कॉर्नर पे मैं अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा पेंसिल शेप का ब्रश लूँगी और इसके अंदर मैं नेवी ब्लू कलर का शेड अप्लाई करूँगी। ब्लैक अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर हमें, ब्लू नेवी ब्लू कलर का शेड यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। और इसको हल्का सा मर्ज कर देंगे। बहुत ही लाइट सा मैंने शेड देने के लिए सिर्फ अप्लाई किया, शेड को बहुत सारा मैं अप्लाई नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे हल्का सा डिपॉजिट कर लूँगी कि गाइडलाइन के लिए कि मुझे कहाँ पे रहते हुए शेड को अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने इसको फिर यहीं से इसको मैंने मर्ज कर दिया कॉर्नर पे। बहुत ज़्यादा शेड को अप्लाई नहीं करना, हल्का सा वी बना देंगे। ये वी कॉर्नर शेप होता है हमारा, वी कॉर्नर एरिया होता है हमारा। इसको यहाँ पे मैं ग्रीन ही के साथ में इसके मर्ज कर दूँगी। कितना इजीली ये लुक है कि तीन स्टेप्स में, चार स्टेप्स में हमारा ये लुक भी अचीव हो गया है। रोड लैश लाइन पे भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं शेड को अप्लाई, अदरवाइज़ यहाँ पे शेड अप्लाई इन्होंने नहीं किया हुआ जो लोग हम अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा बस ये शेड से शेड को अप्लाई कर रही हूँ, इस सेम शेड को ही। सिर्फ शेड दे रही हूँ, प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रही, लाइट लाइट सा बस शेड को, ताकि आँख हमारी थोड़ी सी खुली खुली फील हो
ऐसा ना लगे कि कोई शेड अप्लाई ना करने की वजह से हमारी आँख बहुत छोटी छोटी सी लग रही है। साथ ही लिड एरिया पे मैं चंक्स को अप्लाई कर लूँगी। उसके लिए मैंने मिस रोज़ के ये चंक्स का पैलेट लिया है और इसमें से आपको जो भी गोल्डन में तीन शेड्स इसमें हैं आपको जो पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लिया फिंगर में और यहाँ मैंने हल्का हल्का सा करना है क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, जस्ट शेड देने के लिए गोल्डन को अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने भी ऐसे ही फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाता है, आप भी फिंगर से ही कर लें। अगर आपको एप्लीकेटर से करना है तो आपके अपनी चॉइस है, आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लाइनर अप्लाई करेंगे और उसके लिए मैंने लिया है क्रिस्टीन का एज़ यूजल केक लाइनर, सलून वगैरह में भी मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं। इसमें मैंने हल्का सा वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें पतला सा लाइनर ब्रश ले लूँगी और उस लाइनर ब्रश में मैं पेस्ट बनाऊँगी। पहले लाइनर का हल्का सा पेस्ट बना लिया, इसको लैश लाइन को फॉलो करते हुए ही हम लाइनर को अप्लाई कर लेंगे। इससे बहुत ही इजीली हमारा लाइनर अप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं करना है मुझे, बस यहीं पे हम इसको रोक देंगे। थोड़ा और थिक कर लेंगे, फिर से पेस्ट बनाएंगे। लाइनर के ब्रश में इसको लेंगे, अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे, देन हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे क्योंकि लैशेज अप्लाई करने से भी हमारा लाइनर थोड़ा हाइड हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा थिक अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको थिक नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पतला अप्लाई कर सकते हैं, थिन भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा थिक लगता है, उससे हमारी आँख बहुत खुली खुली फील होती है। साथ ही मैं टेयर डक पे भी अप्लाई कर लूँगी, वहाँ पर हम नोक्स ही बना लेंगे इसकी, ताकि और इसको नीड भी कर लेंगे। अगर गलती से थोड़ा सा मैस लुक हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना, वो हम उसको भी सही कर सकते हैं। मेकअप रिमूवर की हेल्प से भी किया जा सकता है, वेट वाइप्स की हेल्प से भी हम उसे सही कर सकते हैं। और डार्क लुक लगे बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाने के लिए हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना, सीलर भी अप्लाई कर सकते हैं आप इससे, सीलर ऐड करके भी अगर वाटरप्रूफ बनाना है तो। लेकिन मोस्टली ये क्रिस्टीन के लाइनर्स जो हैं ये वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, ये केक लाइनर्स वगैरह, इसमें हम सीलर डाल के सीलर को ऐड करके करते हैं इसे वाटरप्रूफ, अदरवाइज़ वाटर ऐड करके ही इसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन की लैश ग्लू के साथ यहाँ पे ये मैक्स फैक्टर की लैशेस को अप्लाई करूँगी। यहाँ मैंने लैश को मैंने लिया है और इसको मैं अब पिन की हेल्प से इसे, ये बेसिकली ड्राई हो जाती है हमारी, जिसकी वजह से अब ये लैश ग्लू नहीं आती आयर, अब ये आ गई है। इसको मैं हल्का हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ लैशेस के साथ साथ, बहुत हल्का सा मैंने अप्लाई किया है, देन मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। ये स्टिक हो गई है हमारी। अब यही सेम प्रोसेस मैं दूसरी के साथ करूँगी। इसको मैंने लिया कार्डबोर्ड से रिमूव करके, इसके ऊपर मैंने हल्की हल्की सी लैश ग्लू अप्लाई कर दी है। थोड़ा सा मैं इसको ड्राई होने दूँगी और अब इसको मैं कॉर्नर से हल्का सा हाइट देनी है, ऊपर की तरफ रखना है ताकि आँख खुली खुली लगे, बड़ी लगे। और ये स्टिक हो गई है। ब्लश ऑन और नोज़ कॉन्टोरिंग करेंगे क्योंकि मेकअप करने की वजह से हमारे फेस के फीचर्स इन्हेंस नहीं होते हैं, हो जाते हैं हमारे फेस के फीचर्स, जिसकी वजह से उसको इन्हेंस करने के लिए हम नोज़ कॉन्टोरिंग करते हैं, इससे हमारे फेस फीचर्स अच्छे लगते हैं। मीडियम शेड का ये ब्रॉन्ज़र है लॉरियल पेरिस का, इसके थ्रू मैं नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ शेड हमने अप्लाई नहीं करना, चेहरा आपका ब्लैक ब्लैक लगने लगेगा। लास्ट स्टेप हमारे पास है ब्लश ऑन, उसको अप्लाई करने के लिए मैंने ये पैलेट लिया है, इसमें काफ़ी शेड्स हमारे पास आ जाते हैं। इसमें से मैंने ये डार्क थोड़ा सा शेड को लेना है, मैट है ये,
और इसको मैंने डस्ट ऑफ करके, क्योंकि बहुत पिगमेंटेड पैलेट है ये, हल्का सा आप लेते हैं बहुत सादा और बहुत ज़्यादा शेड इस पर अप्लाई हो जाता है, इसलिए मैं इसको डस्ट ऑफ कर लेती हूँ ताकि कलर पे ऑफ बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए। ये हमारा शेड अप्लाई हो गया है, आपने देखा कैसा पिगमेंटेड ये पैलेट है, इसकी वजह से काफ़ी शेड डार्क अप्लाई हुआ है। ऑलमोस्ट हमारा लुक अचीव हो चुका है। होपफुली आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।